दुनिया में 100 मिलियन लोग जो हैं वो ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस या किसी किस्म की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की वजह से अपना घर बार बाजुकात, अपनी कम्युनिटीज और अपना मुल्क तक छोड़ने पर मजबूर हैं इसी तरह तकरीबन 1.1 ट्रिलियन यूरोस ब्राइबरी करप्शन और टैक्सवेजन में ख़ास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज में ये पैसा ज़ाया हो रहा है जो कि उन कंट्रीज़ के लोगों की डेवलपमेंट पर खर्च किया जा सकता है जब किसी मुल्क में वॉर होगी चाहे वो किसी और मुल्क के साथ हो या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो क्राइम रेट्स हाई होंगे तो आप समझ सकते हैं इन्वेस्टर्स वहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे जब इकनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो लोगों की सोशल डेवलपमेंट जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी एनवायरमेंटल कॉम्प्रोमाइज़ भी होगा